आगे चल रहे हैं, ये रुझान आया है। ये देखिए आप, ये दर्शकों को ये समझना जरूरी होगा कि ये रुझान इतनी जल्दी कैसे आता है। ईवीएम मशीन में चुनाव अधिकारी जो पार्टी के जो एजेंट हैं उनकी मौजूदगी में सिर्फ उनको एक बटन दबाना होता है और बटन दबाते ही पता चल जाता है। सिर्फ बटन दबाना होता है, कुछ भी मैनुअल नहीं करना है, सिर्फ बटन दबाना होता है और बटन दबाते ही पता चल जाता है कि जो पहली ईवीएम मशीन का बटन दबा उसमें कौन उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, क्योंकि और बटन वो इतनी जल्दी सारे फैसले नहीं, एक बूथ में एक मशीन में जितने ही वोट आए होंगे सारा का फैसला वो एक। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो हमारे संवाददाता है मतगणना केंद्रों पर, कर्नाटक के बीजापुर से ये तीसरा रुझान आया है, कर्नाटक के बीजापुर से ये तीसरा रुझान आया है। और कर्नाटक के बीजापुर में मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के बीजापुर में कौन आगे चल रहे हैं। मैं बीजेपी के रमेश चंदप्पा आगे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए एक और खुशखबरी, नरेंद्र मोदी के खाते में अभी तक दो रुझान नरेंद्र मोदी के पक्ष में गए हैं। अब हम आपको वो ग्राफिक्स भी बीच बीच में दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि 272 के आंकड़े से नरेंद्र मोदी कितने दूर हैं, 272 के आंकड़े से वो कितने दूर हैं। ये तीन रुझान अभी तक हमारे सामने आए हैं, ये तीनों रुझान, तीन में से दो रुझान नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, एक सीपीएम के पक्ष में है। लोहरदगा झारखंड, कर्नाटक के बीजापुर और साथ ही साथ केरल के अल्लाथूर से, भाई ये बहुत तेजी से रुझान आ रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस पर। ये माड़ा से एनसीपी के विजय मोहिते पाटिल आगे चल रहे हैं। ये रुझान महाराष्ट्र के माड़ा से आया है, 8:07 होने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। और इन रुझानों के पीछे का गणित आप ये समझिए कि किस तरह से ये रुझान आते हैं। ईवीएम मशीन बिल्कुल एक, आप जानते हैं, आप सब वोटिंग करते हैं, आप जानते हैं ईवीएम मशीन में जिस तरह से आप अपना वोट करते हैं उसी तरह से आपका सिर्फ एक बटन चुनाव अधिकारी जो है पार्टी के प्रतिनिधि, पार्टी के एजेंट के सामने उस बटन को दबाता है, उन तीनों पार्टी उम्मीदवारों के एजेंट के सामने उस बटन को दबाता है और सीधे पता चल जाता है कि इस एक मशीन में जो वोटिंग हुई है उसके वोट किसके पक्ष में गए हैं। तो ये झारखंड के लोहरदगा, कर्नाटक के बीजापुर से रमेश आगे चल रहे हैं, ये रुझान है। महाराष्ट्र के माड़ा से एनसीपी आगे चल रही है, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माड़ा से एनसीपी के विजय मोहिते पाटिल आगे चल रहे हैं, चार सीटें नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं और तीन में यूपीए के उम्मीदवार आगे हैं, एक में ये देखिए अभी तक के जो रुझान हैं, 8:07 हुए हैं, अभी तक के रुझान से तो लग रहा है कि थोड़ा सा कांटे की टक्कर है। हाँ, अभी सभी जगह दिख रहा है, लेकिन विजय मोहिते पाटिल पहले भी माना जा रहा वो कि जितने उनके आसार हैं जो सारे एग्जिट पोल आए थे। जी, विजय मोहिते पाटिल वहां, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र से आगे चल रहे हैं, महाराष्ट्र की एनसीपी के उम्मीदवार हैं, एनसीपी के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक के बीजापुर से रमेश बीजेपी के आगे हैं, चार सीट का रुझान आगे, चार आठ सीटों का रुझान न्यूज एक्सप्रेस पर आ गया है। हमारे